एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित सिसोटा गांव पड़ा। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 20 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान भगवान सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 3100 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय में लगभग 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 10 सीसीटाइज रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 आवास का निर्माण कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 50 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 75 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 200 आवास, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 600 शौचालयों का निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान सिसोटा भगवान सिंह मेरा नाम है। ब्लॉक संभल, तहसील व भी संभल है, थाना नकासा। यानी केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो मुझे धनराशि प्राप्त हुई है उसके उसमें मैंने 10 सड़कों का निर्माण करा दिया है और कार्य प्रगति पर चल रहा है। मेरे गांव में नवाड़े से यानी बराए से लेकर नवाड़े तक एक तो सड़क बहुत खराब है जो पड़नी चाहिए, यात्रियों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है, और अस्पताल सरकारी होना चाहिए और एक कन्या इंटर कॉलेज होना चाहिए, गर्ल्स इंटर कॉलेज, जिससे जो है आने जाने वालों की। मैंने 75 सौर ऊर्जा लगवा दी हैं और विकास जो प्रगति पर चल रहा है। इसी के साथ गांव मेरी ग्राम पंचायत बड़ी है और मैंने 12 प्रधानमंत्री आवास बनवा दिए हैं और मेरी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत यानी रास्ते खराब है, धनराशि ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए जिससे जो है सुख समृद्धि से मेरे गांव के लोग जी सकें, और लगभग 200 आवास प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए जी। और इससे जो है जिससे जो गरीब आदमी जो सरकार की नीति है जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से जो अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे गांव को यानी ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि मुहैया कराएँ जिससे मैं अपने गाँव को विकास की दौड़ में जो शामिल कर सकूँ। वही ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। मेरा नाम गीता है, मैं मिलक सिसोटा की रहने वाली हूँ। ये शौचालय प्रधान जी ने बनवाया है, प्रधान जी अच्छा काम कर रहे हैं। सर मेरा नाम शांति देवी है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और ग्राम सिसोटा की निवासी हूँ। जहाँ पर हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है, जर्जर हो चुका है सारा हमारा केंद्र। वहाँ पर रसोई की व्यवस्था भी बिल्कुल बेकार है, शौचालय की व्यवस्था भी बिल्कुल ख़राब है, और यहाँ तक कि बच्चे को बैठने का जो हाउस बना हुआ है उसमें चारों तरफ से सारी दीवारें बैठ चुकी हैं, उसकी स्थिति बैठने योग्य नहीं है। और हमारे साथ कभी भी और बच्चों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करती हूं, निवेदन करती हूं कि इस समस्या को शीघ्र ही हल करें और यहां का जो हमारी बिल्डिंग है ये सुरक्षित तरीके से नए सिरे से बनवा दी जाए, ताकि हम और हमारे बच्चे सुरक्षित स्थान पर बैठकर और इस शिक्षा को प्राप्त करें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देती हैं।